इसे कहते हैं नर्क का रास्ता, दुनिया में सबसे गहरा है ये गड्ढा। कोला सुपरडीप बोरहोल नाम के इस होल को 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था। रूस में एक ऐसी जगह है जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। ये दुनिया में मौजूद सबसे गहरा बोरहोल है। कोला सुपरडीप बोरहोल नाम के इस होल को 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा गहरा खोदना चाहते थे। लगातार 19 साल खोदने के बाद साइंटिस्ट 12 किलोमीटर गहराई तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें खुदाई को रोकना पड़ा। आखिर क्या हुआ था ऐसा? रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे साइंटिस्ट जमीन की गहराई में खुदाई करते गए, वैसे वैसे उनकी मशीन का तापमान तेजी से बढ़ने लग गया। जब वे 12,262 मीटर 40,230 फीट की गहराई पर पहुंचे, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। इसे देख तत्काल काम रोक दिया गया। तब साइंटिस्ट्स ने इस होल का नाम डोर टू हेल, नर्क का दरवाजा रख दिया। सतह से 0.2% ही हुई खुदाई। जमीन में 12 किलोमीटर की खुदाई करना अपने आप में के किसी अजूबे से कम नहीं है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सतह से लेकर धरती के कोर तक जितनी गहराई है ये उसका 0.2% भी नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक धरती का 6,400 किलोमीटर नीचे है, जहां पहुंचने का सोचा भी नहीं जा सकता। इस मशीन से हुई खुदाई, इस अनोखे काम को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे अनोखी मशीन उरलमश का इस्तेमाल किया गया। मल्टीलेयर ड्रिलिंग सिस्ट वाली इस मशीन की टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर 49,000 फीट थी। आगे की स्लाइड्स में देखें नर्क के द्वार कहे जाने वाले इस सबसे गहरे गड्ढे के। पहली नजर में लगते हैं फेक, लेकिन बिल्कुल रियल हैं ये फोटोज। पहली नजर में लगते हैं फेक, लेकिन बिल्कुल रियल हैं ये फोटोज।